नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काजल की रसोई में। आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन वेज रैप, जो बहुत हेल्दी होता है। आप इसे अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मल्टीग्रेन वेज रैप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मल्टीग्रेन आटा 1 कप या 250 ग्राम, मटर 2 टेबलस्पून जिन्हें हमने उबाल कर क्रश कर लिया है, गाजर 1 चॉप की हुई, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, 1/2 शिमला मिर्च इसे भी हमने चॉप कर लिया है, टमाटर 1 बारीक कटा हुआ, उबला हुआ आलू जिसे हमने मैश कर लिया है, ग्रेटेड पनीर 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, कुछ मसाले लिए हमने, जीरा 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 1 टेबलस्पून। सब्जियां आप अपने हिसाब से सीजन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आइए मल्टीग्रेन वेज रैप बनाना शुरू करते हैं। मल्टीग्रेन वेज रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। आटे को मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। हमारे आटे का डो तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। वेज रैप बनाने के लिए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। हमारा जीरा भुन गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और इसे हम भून लेंगे। हमारे प्याज भुन गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और इसे नरम होने तक पका लेंगे। हमारे टमाटर नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। गाजर डाल रही हूँ, मटर डाल रही हूँ और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। हमारी सब्जियां पक गई हैं। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, पनीर डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम आटे को एक बारी दोबारा से मसल लेंगे। हमारा आटा सेट हो गया है। अब मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने तवे को गैस पर रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ, सूखे आटा लगाकर इसकी मैं एक लोई बना रही हूँ। मेरी लोई बन गई है। मैं इसे सूखे आटे में लपेट रही हूँ और अब हम इसे बेल कर रोटी तैयार कर लेंगे। हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब मैं इसे तवे पर डाल रही हूँ। हमारी रोटी एक साइड से पक गई है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। अब हम बाकी की रोटियां इस तरह से तैयार करेंगे। हमारी रोटी पककर तैयार हो गई है। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। हमारी ये रोटी भी तैयार हो गई है। इसे भी मैं तवे पर डाल रही हूँ। इस तरह से हम बाकी की रोटियां भी पका लेंगे। हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इतने आटे में हमारी 6 रोटियां बनी हैं। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैं आपको वेज रैप तैयार करके दिखाती हूँ। मैंने एक रोटी ले ली है।
इसमें 2 चम्मच स्टफिंग रख रही हूँ। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे फॉइल पेपर में लपेट लेंगे। इस तरह से हम बाकी के रैप भी तैयार कर लेंगे। हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मल्टीग्रेन वेज रैप बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ।